हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में अपन खतरनाक रोम का रिव्यू करने वाले हैं। रोम का नाम है पिक्सेल एक्सपीरियंस बेटा वर्जन है और कैसा इसका यूआई एक्सपीरियंस है और क्या क्या इसमें अपने को एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं डिटेल में देखेंगे अपन, प्लस इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो वीडियो को लास्ट तक ही देखो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, लेटेस्ट अपडेट मिलते रहते। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करेंगे। अबाउट सेक्शन में आ जाएंगे अपन। तो उधर एंड्रॉइड वर्जन अपने को 13 मिलता, एंड्रॉइड वर्जन 13 है इधर, और सेप्टेम्बर 5 का अपने को सिक्योरिटी बैच मिलता, कर्नल इधर अपने को LAUM का मिलता। तो ये सब चीज़ें मिल जाते हैं। अब देख लेंगे अपन ऐप ओपनिंग क्लोजिंग। तो इधर अपने को जबरदस्त एनिमेशंस मिलते हैं, एनिमेशंस में इधर कोई भी लैग नहीं है और स्मूथनेस इधर नेक्स्ट लेवल है, ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत खतरनाक है। स्टेटस बार अपने को कुछ इस तरीके से मिलता, यहाँ पे ब्लैक थीम में मिलता, व्हाइट थीम इधर नहीं है और कुछ भी इधर शटरिंग नहीं होती, 1% का भी लैग नहीं मिलता स्टेटस बार में, एकदम स्मूथ खुलता, एकदम स्मूथ बंद होता। रिसेंट ऐप्स अपने को कुछ इस तरीके से मिलते और यहाँ पे नीचे ऑप्शन देख सकते, सेलेक्ट अपना बहुत अच्छा वर्क कर रहा और स्क्रीनशॉट भी इधर अपना वर्किंग है। और एक अमेजिंग फीचर मैं बताता हूँ, अब जैसा यूट्यूब का ऐप है इसमें इमेजेस दे सकते, तो इधर ये ऑप्शन अपने को मिलता, इमेज को आप गैलरी में सेव कर सकते हो और सेंड भी कर सकते हो अपने दोस्तों को। तो ये बहुत अमेजिंग फीचर है। और इधर कॉपी लिंक का अपने को ऑप्शन मिल जाता क्योंकि बहुत जबरदस्त है। लेफ्ट टू स्वाइप करेंगे तो इधर गूगल फीड अपनी बहुत अच्छा वर्क कर रही, गूगल फीड का यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन बहुत खतरनाक है, तो स्क्रोलिंग में इधर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। बेसिक सेटिंग चेक कर लेंगे अपन। एप्स पे जाएंगे तो इधर स्क्रीन टाइम का डैशबोर्ड अपने को मिलता, बैक आएंगे अपन बैटरी पे बन जाएंगे तो इधर इंटरफेस कुछ इस तरीके से मिलता, बैटरी यूजेज अपने को मिलता, बैटरी सेवर का ऑप्शन इधर है, ऑप्टिमाइजेशन प्रोफाइल्स का अपने को ऑप्शन मिलता है, इधर इतने सारे मोड्स मिलते हैं अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, बैटरी परसेंटेज को इधर इनेबल कर सकते। तो बैटरी बैकअप रॉम का बहुत जबरदस्त है, कल ही मैं इंस्टॉल करा, कुछ भी इधर मेरे को ड्रेन इशू देखने को नहीं मिला। साउंड एंड वाइब्रेशन पे अपन जाएंगे तो इधर हैप्टिक्स अपने बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, लाइव कैप्शन का अपने को ऑप्शन मिलता, यहाँ पे हैप्टिक्स को आप इनेबल कर सकते हैं, रिंग वाइब्रेशन को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते और ये सब ऑप्शन अपने को मिलते, टच साउंड्स का अपने को ऑप्शन मिलता, एमआई साउंड एनहेंसर अपने को मिल जाता और क्लियर स्पीकर का ऑप्शन भी अपने को मिल जाता। बैक आएंगे अपन, डिस्प्ले पे जाएंगे तो ऑटो ब्राइटनेस अपना बहुत अच्छा वर्क कर रहा है इधर, एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन नहीं मिलता, डार्क थीम व्हाइट थीम भी बहुत अच्छा वर्किंग है और डिस्प्ले साइज टेक्स्ट साइज आप सेट कर सकते हैं इधर, बोल्ड टेक्स्ट का अपने को ऑप्शन मिलता, हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट का अपने को ऑप्शन मिल जाता, कलर्स में अपने को इतने सारे कलर्स मिलते हैं, रिफ्रेश रेट भी इधर चेक कराता हूं मैं तो देख सकते 1690x120 रिफ्रेश रेट्स अपने को मिल जाते हैं, टैप टू वेकअप ऑप्शन मिल जाता, पर ऐप रिफ्रेश रेट का अपने को ऑप्शन मिल जाता, इधर सेट कर सकते आगे। एडिशनल डिस्प्ले फीचर्स में अपने को हाई ब्राइटनेस मोड मिलता। बैक आएंगे अपन, वॉलपेपर एंड स्टाइल पे बन जाएंगे तो इधर कलर्स का अपने को ऑप्शन मिल जाता, देख सकते हैं कलर्स है, बेसिक कलर्स का अपने को ऑप्शन मिलता, डार्क थीम का ऑप्शन इधर है, थीम डायकॉन्स को इनेबल कर सकते हैं, अपग्रेड मिनिमम 5x5 और मैक्सिमम 2x2 तक रख सकते हैं, और वॉलपेपर्स भी इधर चेक कराता हूं मैं तो अपने को लाइव वॉलपेपर्स मिलते हैं, इतने सारे लाइव वॉलपेपर्स है सेट कर सकते हैं इधर, और पिक्सेल की तरफ से बहुत सारे वॉलपेपर्स है अप्लाई कर सकते हैं आगे। सिक्योरिटी पे बन जाएंगे तो फिंगरप्रिंट कैसा वर्क कर रहा वो भी अपन चेक कर लेंगे, देख सकते हैं बहुत अच्छा वर्क कर रहा और रिपल इफेक्ट भी अपने को मिलता। पिक्सेल के रॉम अपने को ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं मिलता, बस इतना मिल जाता। सेफ्टी नेट चेक कर लेंगे, पास्ट होता कि फेल होता, रन डैश पे टैप करेंगे तो सेफ्टी नेट बाय डिफॉल्ट पास्ट है, बैंकिंग एप्लीकेशन इजीली रन कर सकते, गूगल फोटोज में अपने को अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाता, दिस पिक्सेल कैन बैकअप अनलिमिटेड फोटोज एंड वीडियोस एट नो चार्ज। गीकबेंच के स्कोर्स में इधर चेक कराता हूं तो देख सकते हैं सिंगल कोर अपना 547 और मल्टी कोर 1677 अपने को मिलता। रैम मैनेजमेंट भी चेक कर लेंगे अपने को कैसा मिलता, तो देख सकते 81% तक जा रहा, जो कि बहुत ज़्यादा ले ले रहा है मैंने। और ये नॉर्मल सा अपने को कैमरा मिल जाता, इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स अपने को नहीं मिलते कुछ भी, इमेज कैप्चर और वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसमें, एक्स्ट्रा कुछ भी ऑप्शन नहीं मिलता। फ्रंट कैमरा का भी इधर अपने को ऑप्शन नहीं मिलता। डीआरएम इन्फो के अंदर अपने को वाइड 1L1 मिलता, देख सकते हैं सिक्योरिटी लेवल L1 है। सीपीयू थ्रॉटलिंग चेक कर लेंगे अपन तो ग्राफ इधर देख सकते, मैक्सिमम अपना 1,62,000 जीआईपीएस के सीपीयू थ्रॉटल होता है, एवरेज 1,55,000 जीआईपीएस के, मिनिमम 1,24,000 जीआईपीएस अपने को मिल जाता। डायलर इधर अपने को गूगल का मिलता, कॉल रिकॉर्डिंग सपोर्टेड है कि नहीं वो भी अपन चेक कर लेंगे तो देख सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग सपोर्टेड है इसमें। अब देख लेंगे अपने को इसमें गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा मिलता, तो बीजीएमआई खोल लेंगे अपन, ग्राफिक्स भी इधर मैं चेक कराता हूँ अपने को क्या ग्राफिक्स मिलते हैं, तो देख सकते हैं स्मूथ और अल्ट्रा अपने को मिल जाता, 90fps अनलॉक नहीं है, अल्ट्रा पे गेमिंग कर ले सकते हैं। तो एक टीडीएम खेल के बताता हूँ कैसा है परफॉर्मेंस रोम का, तो परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इधर अपने को मेजर लैग नहीं मिलता कुछ भी, स्टेबल अपने को 40fps मिल जाता, गेमिंग कैसे मैं बोलता हूँ एवरेज है और कुछ भी इधर हीटिंग इशू अपने को नहीं मिलता, बैटरी ड्रेन इशू भी नहीं होता। इरेंगल वगैरह भी खेला मैं तो अगर ज्यादा बंदे आ गए तो थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स अपने को मिलते हैं, तो अपने को डेली यूज कैसे कुछ भी रॉम होना तो गेमिंग भी एवरेज है तो ये रॉम को इंस्टॉल कर सकते हैं अपन, वो जबरदस्त इसका परफॉर्मेंस है। पिक्सल्स के रॉम स्टेबल रहते और सेफ रहते, डेटा लीक नहीं होता इसमें से, तो ये रॉम पे आप जा सकते हैं। रॉम को कैसा इंस्टॉल करना वो अपन देख लेंगे। अब सबसे पहले वाइप वाले सेक्शन पे जाना पड़ता, एडवांस वाइप पे अपन टाइप करेंगे, इधर डेल्वी कैच मेटा डेटा डेटा ये सारे पार्टीशन को सिलेक्ट करके अपन वाइप कर देंगे। होम पे अपन प्रेस करेंगे और यहाँ पे अपन इंस्टॉल पे टाइप करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्मवेयर जो इंस्टॉल करना पड़ता, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से डाउनलोड कर लेना, इस पे टाइप करके अपन फ्लैश कर देंगे।
देख सकते हैं फ्लैश अपना कंप्लीट हो गया। बैक आएंगे अपन, फिर अपन कस्टम रोम वाली फाइल को इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्लैशिंग प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, वेट कर लो जब तक। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो इधर देख सकते हैं फ्लैश अपना कंप्लीट हो गया। होम पे अपन प्रेस करेंगे, वाइप पे अपन जाएंगे, फिर से फॉर्मेट डेटा पे अपन टाइप करेंगे, इधर YES टाइप करके अपन टिक कर देंगे। उसके बाद अपन अपने फोन को रिबूट कर ले सकते हैं। रोम का लिंक मैं टेलीग्राम पर दे देता हूँ, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। और टेलीग्राम चैनल को अब तक ज्वाइन नहीं करे तो ज्वाइन कर लो। इधर मैं लेटेस्ट कस्टम रोम के पोस्ट डालते रहता हूँ और कुछ भी कचरा नहीं डालता हूँ मैं। कुछ भी अपने को प्रॉब्लम हो रही फ्लैशिंग में और कुछ भी अपने को डिस्कस करना रहा तो इधर डिस्कशन चैनल भी है, यहाँ से आके बात कर ले सकते। सबको मैं इधर रिप्लाई करता हूँ। तो रिव्यू अगर अच्छा दिखा तो लाइक कर दो वीडियो को, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। और बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आने वाला हूँ मैं फ्यूचर में, तो मेक श्योर करना कि बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।